दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। और आज हम लोग देख रहे हैं जीके टेस्ट सीरीज उत्तर प्रदेश एपीओ के लिए, वह पार्ट फर्स्ट है। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें युद्ध और लड़ाइयों से रिलेटेड क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जीके में जनरली पूछा जाता है। आपको यूपी एपीओ में जनरली डिटेल में जमाने के लिए दे दिया जा सकता है कि चंदावर का युद्ध, चौसा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, तो इन्हें जमाइए, पहले कौन सा इवेंट हुआ। तो आपको इनका थोड़ी आपको इनकी डेट्स भी याद रखनी है। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। पानीपत के तीन युद्ध हुए आपको पता है। देखो, एक तो 1526, 1556, एक हुआ था 1761 में, और चंदावर का युद्ध 1194 में, और चौसा का युद्ध 1539 में। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था जो बाबर 1526 में, यह हुआ था बाबर और लोदी के, जो लोदी डायनेस्टी थी, जो उसके अंतिम शासक थे, जो इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। और जो चंदावर का युद्ध हुआ था वो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को परास्त कर दिया था। चौसा का युद्ध हुआ था यह शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। तो आपको यह याद रखनी है डिटेल कि कौन सा युद्ध कब हुआ। तो पानीपत के टोटल तीन युद्ध हुए, 1526, 1556 और 1761। चंदावर का युद्ध हुआ था, जो देखो पहले तो हुआ था तारायण का युद्ध। दो युद्ध हुए थे तारायण के, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध। तारायण के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया, दूसरे में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, फिर गौरी ने जयचंद को भी हरा दिया, तो लास्ट में गौरी जीत गया था। चौसा का युद्ध किन किन के बीच हुआ था, तो 1539 में हुआ था। ये हुआ था जो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। नेक्स्ट है, दीन लाही धर्म अकबर ने कब शुरू किया। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि दीन लाही धर्म अकबर ने कब शुरू किया, या दास प्रथा को अकबर ने कब समाप्त किया। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो दीन लाही धर्म अकबर ने शुरू किया था 1582 में, 1582 में अकबर ने दीन लाही को धर्म को शुरू किया था। तो अकबर ने जो बाल विवाह प्रथा पर रोक कब लगाई, यह क्वेश्चन बन सकता है, या दास प्रथा को ख़त्म कब किया, तो या फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी कब बनाया। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। तो दीन लाही धर्म अकबर ने शुरू किया था 1582 में। नेक्स्ट है, गलत सुमेल कीजिए, इसमें आपको गलत बताना है कौन सा गलत है। तो जैसे बाबर नामा किसने लिखा, अकबर नामा किसने लिखा, हर्षचरित पुस्तक किसने लिखी और हुमायूं नामा किसने लिखा। तो बुक्स टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो बाबर नामा बाबर ने ही लिखा, यह लिखा था जो तुर्की भाषा में लिखा था, यह क्वेश्चन ही बनता है। एक एग्जाम में मैंने देखा था कि उसमें पूछा था कि जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है बाबर नामा, तो किस भाषा में लिखी, उसमें तुर्की था, एक उर्दू भी था, दो ऑप्शन और थे, तो इसमें तुर्की राइट आंसर था। नेक्स्ट है अकबर नामा, तो अकबर नामा अबुल फजल ने लिखा, अबुल फजल आप याद रख सकते हैं। हर्षवर्धन ने नहीं लिखा, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा। तो इसमें अपन को गलत सुमेलित करना था, तो हर्षवर्धन ने तीन किताब लिखी हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद शायद, हाँ, लेकिन हर्षवर्धन ने लिखा, ये लिखा था बाणभट्ट ने। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे ज़्यादा शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत, यानी मुगल वंश, दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश, इनसे क्वेश्चन आपके यूपी एपीयू में आ सकते हैं और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। दिल्ली सल्तनत के आपको जो वंश हैं, थोड़े बहुत आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि किस वंश ने कब तक शासन किया, किसने ज़्यादा किया। तो किस वंश ने ज़्यादा शासन किया, किसने कम, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन में क्या है, खिलजी है, तुगलक है, लोदी है। तो खिलजी ने तो सबसे कम शासन किया, सबसे ज़्यादा शासन किया है तुगलक वंश ने। दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा किसी ने शासन किया तो वो है तुगलक वंश, सबसे कम किया है खिलजी वंश में, जिसमें जी अलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी वगैरह आ जाते हैं। सो आपने एक मूवी देखी हो पद्मावत, उसमें जो वो रणवीर सिंह हैं वो खिलजी वंश से हैं। इसके अलावा तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा शासन किया, और लोदी वंश में ये आ जाते हैं इब्राहिम लोदी वगैरह और सिकंदर लोदी वगैरह। तो दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे ज़्यादा शासन किया, तुगलक वंश ने, सबसे कम शासन किया खिलजी वंश ने। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2021 में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो ओलंपिक से क्वेश्चन आपके यूपी एपीयू में आ सकते हैं और अदर एग्जाम में भी आया, अभी उत्तराखंड एपीयू हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में जो ध्वजवाहक थे, ओलंपिक में जो समापन समारोह में भी पूछा जाता है और उद्घाटन समारोह में भी, तो हम लोग यह देख रहे हैं उद्घाटन समारोह में, तो मनप्रीत सिंह थे और एमसी मैरी कॉम जो मुक्केबाज हैं वो टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से ध्वजवाहक थी। और जो पैरा ओलंपिक में थे मरियप्पन थंगावेलु, वो पैरा एथलीट थे, लेकिन वो किसी कारण जो वो उपस्थित नहीं हो पाए थे, तो उनकी जगह पर टेक चंद ने जो ध्वजवाहक समारोह में उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट है, सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपको सही सुमेलित करने के लिए आ सकता है
कहीं के भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, जैसे इसराइल के नेफ्ताली बेनेट हैं, जापान के फूमियो किशिदा हैं, ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन हैं, ईरान के इब्राहिम रईसी हैं। तो इसमें आपको बताना है इसमें से कौन सही सुमेलित हैं या किस देश से किनका संबंध है। तो इसराइल से नेफ्ताली बेनेट का संबंध बिल्कुल सही है, इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेफ्ताली बेनेट, और ये बिल्कुल सही है, इसराइल न्यूज़ में भी है अभी काफ़ी। इसके अलावा जापान के फूमियो किशिदा बिल्कुल सही है, और जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उन्हें भारत ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। ब्रिटेन से बोरिस जॉनसन बिल्कुल सही है, ये रिपब्लिक डे पर आने वाले थे लेकिन आ नहीं पाए थे, भारत में चीफ गेस्ट थे। ईरान के इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति हैं ईरान के, ये भी बिल्कुल सही है, तो चारों इसमें सही है। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूपी एपीओ की टेस्ट सीरीज के लिए आप एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, जिसमें जितने भी वीडियो आएंगी तो आप उस प्लेलिस्ट में लाइन से देख सकते हैं। नेक्स्ट है 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन किसने जीता। तो देखिए चार ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस में, तो टेनिस से जनरली स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनते हैं, टेनिस, क्रिकेट और फुटबॉल, बस इन तीनों से क्वेश्चन जनरली बनते हैं। और जैसे अगर कोई इवेंट चल रहा है, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप वगैरह, कोई स्पेशल इवेंट है तो क्वेश्चन बन जाता है जनरली, लेकिन टेनिस से और फुटबॉल और क्रिकेट बस इन्हीं तीन से क्वेश्चन बनते हैं। हॉकी से वर्ल्ड कप वगैरह चल रहा है तो ही बनते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता 2021 का, या फ्रेंच ओपन किसने जीता, या विंबलडन किसने जीता। जो क्वेश्चन बनते हैं चार से बनते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और एक होता है यूएस ओपन, क्योंकि ये ग्रैंड स्लैम कहलाते हैं, ग्रैंड स्लैम से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन तीनों जीते नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के हैं। तो आपको यह याद रखना तीनों एक ही खिलाड़ी ने जीते, नोवाक जोकोविच ने, और इसके अलावा यूएस ओपन होता है वो जीता डेनियल मेदवेदेव ने। तो एक्सेप्शन भी कभी कभार पूछा जाता है कि तीन तो सबको पता होगा किसने जीते, तो यूएस ओपन पूछ लेंगे, तो डेनियल मेदवेदेव ने यूएस ओपन जीता टेनिस का। नेक्स्ट है विच इवेंट ऑकर फर्स्ट, यानी कौन सी घटना पहले घटित हुई। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट या क्रिप्स मिशन। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, या भारत छोड़ो आंदोलन, या सभी नए भाग्य आंदोलन, या क्रिप्स मिशन, तो कौन घटना पहले घटित हुई। तो आपको डेट याद होना चाहिए थोड़ा बहुत कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1931 में हुई थी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1931 में। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो, भारत तो बाद में छोड़ा गया, मांग की गई तो 1942 में। सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट सभी नए भाग्य आंदोलन कब हुआ था, 1930 में, ये गांधी जी का साल्ट सत्याग्रह जो अभी भी न्यूज में है करंट अफेयर्स में भी, तो ये काफ़ी चर्चा में था। इसके अलावा क्रिप्स मिशन ये कब आया था, 1942 में आया था मार्च के आसपास। तो अपन को बताना है विच इवेंट ऑकर फर्स्ट, सबसे पहले क्या हुआ, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, 1931 में, और सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट 1930 में। तो सबसे पहले क्या हुआ, सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कब हुआ, तो 1930 में हुआ। नेक्स्ट गलत सुमेलित कीजिए, इसमें आपको गलत बताना है कौन सा है। तो तुर्कमेनिस्तान अस्काबाद, ये बिल्कुल सही है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अस्काबाद है। कजाकिस्तान की नूर सुल्तान बिल्कुल सही है, किर्गिस्तान बिस्की के भी सही है। तजिकिस्तान उलान बैटोर भी गलत है, तजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, उलान बैटोर तो किसकी है, मंगोलिया की राजधानी है। और ये चारों देश हैं ये सेंट्रल एशियन कंट्री में आते हैं, ये चारों देश सेंट्रल एशियन कंट्री में आते हैं, इसमें अफगानिस्तान भी आता है। ये चारों देश हैं जो इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ये तीन देश हैं जो SCO के मेंबर हैं यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। तो तुर्कमेनिस्तान की क्या है राजधानी, अस्काबाद है। कजाकिस्तान की नूर सुल्तान है, और कजाकिस्तान की अस्ताना थी और उसकी का नाम चेंज करके नूर सुल्तान रख दिया है। किर्गिस्तान की बिश्केक बिल्कुल सही है, तजिकिस्तान की उलान बैटोर नहीं है, उलान बैटोर मंगोलिया की है, तजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। नेक्स्ट है भारत इनमें से किसका सदस्य देश नहीं है। तो ब्रिक्स, G20, G7 और SCO। तो भारत ब्रिक्स का सदस्य देश है, ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आते हैं, भारत इसका सदस्य देश है। G20 में भी भारत है, G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, 20 देशों का सदस्य है, इसमें 19 देश हैं, उसमें एक यूरोपियन यूनियन भी हो, भारत इसमें शामिल है। G7 में भारत शामिल नहीं है, G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, जिसमें जिन देशों की अर्थव्यवस्था बड़ी है वो देश आ जाते हैं, जनरली इसमें डेवलप्ड कंट्री हैं, जैसे कि इसमें USA है, कनाडा है, जापान है, इटली है, जर्मनी है और फ्रांस है, UK है, ये सब देश हैं। इसके अलावा SCO में भारत है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, और चार जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो भी हैं, ईरान को भी शामिल कर लिया गया है, यानी अब ईरान कभी भी इसकी सदस्यता ले सकता है। नेक्स्ट है पहले किस वंश ने शासन किया। तो खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, इन चार वंशों में से आपको लाइन से जमाना है पहले कौन किस वंश ने शासन किया। तो खिलजी आए पहले, फिर तुगलक आए, फिर सैयद आए, फिर लोदी आए, लेकिन सबसे पहले अगर बात हो तो दिल्ली सल्तनत में तो गुलाम वंश आया, तो गुलाम के बाद फिर खिलजी आए, फिर तुगलक आए, फिर सैयद और फिर लोदी। तो ये जमाने के लिए आ जाता है, तो सबसे पहले गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत में, फिर खिलजी वंश,
तुगलक फिर लोधी। सबसे ज़्यादा शासन किस वंश ने किया दिल्ली सल्तनत में, तुगलक ने। सबसे कम किया खिलजी में, और गुलाम वंश वगैरह ये सब इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान वगैरह ये सब इनसे रिलेटेड हैं। सैयद वंश, फिर उसके बाद लोधी वंश। लोधी वंश में जो लास्ट शासक था कौन था, इब्राहिम लोधी। तो उससे उसकी मृत्यु हो गई थी जो युद्ध में ही लड़ता मारा गया था। तो ऐसा पहला शासक था जो शायद डायरेक्ट युद्ध में लड़ते मारा गया, यानी वो खुद युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा था। जनरली जो शासक होते थे पहले वो पार्टिसिपेट डायरेक्टली नहीं करते थे, तो वो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया, एकलौता शासक था यार सबसे पहले। इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो HDI कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। ये UNDP जारी करता है, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो 1990 के आसपास से ये चल रहा है। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, ये क्वेश्चन भी जनरली बनता है। इसके अलावा आपको जनगणना से रिलेटेड एक मैं अलग वीडियो भी बना दूंगा, जनगणना यानी सेंसस, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं जो 2011 में हुई थी लास्ट बार, इस बार 2021 में होनी थी। दो तीन क्वेश्चन आपके आ सकते हैं UPABU एग्जाम में। तो आप ये सब पढ़ लीजिए ऑफिशियल साइट पर जाकर कि इसकी लिटरेसी क्या, मतलब यानी उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है, या लिंगानुपात कितना है, या जो वहाँ का क्षेत्रफल कितना वगैरह है, ये सब आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम क्या थी। तो देखिए प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी, योग दिवस की थीम क्या थी, मानव अधिकार दिवस 2021 की थीम क्या थी, या जो विश्व जल दिवस 2021 की थीम क्या थी। तो इस टाइप से जो थीम के क्वेश्चन है ये अब ज़्यादातर पूछे जाने लगे हैं। एक आध क्वेश्चन आपका UPABU में आने की संभावना ज़्यादा है। और जनरली जो थीम आएगी आपको पूरी नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको याद रख सकते हैं, जैसे योगा दिवस सबको पता तो उसकी थीम पूछ लेते हैं, या प्रवासी भारतीय दिवस सबको पता 9 जनवरी को तो उसकी थीम पूछ लेते हैं, या विश्व जल दिवस सबको पता तो उसकी थीम पूछ लेते हैं। इस टाइप से पूछते हैं हम, और दिवस वो पूछते हैं जो आप जनरली याद नहीं रखते हैं, या कोई न्यू दिवस हो जैसे कि सुशासन दिवस है, या नेशनल यूनिटी डे है, या सिविल सर्विसेज डे है, या पराक्रम दिवस, इस टाइप से पूछते हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम क्या थी, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, यानी आत्मनिर्भर भारत में योगदान, इसकी थीम थी। नेक्स्ट सुमेलित कीजिए, इसमें आपको सुमेलित करना है सुशासन दिवस, पराक्रम दिवस, संविधान दिवस और मतदाता दिवस। तो सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। इस दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जो 3 बार प्रधानमंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी, इस दिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी जन्मदिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर, बिल्कुल सही है, और मतदाता दिवस 25 जनवरी। मतदाता दिवस अभी काफ़ी पूछा जा रहा है, और तो ये चारों सही हैं। नेक्स्ट है, किसने 1920 में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की, फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की, 1939 में कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की, और इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी। तो आप इन्हें जानते हैं, ये सुभाष चंद्र बोस, इन्हें नेताजी भी कहते हैं, और जय हिंद आपने सुना होगा नारा, जय हिंद दिल्ली चलो, ये नारे सब सुभाष चंद्र बोस के हैं। और भारत सरकार ने पहली बार 2021 में पराक्रम दिवस मनाने की शुरुआत की इनके जन्मदिवस पर 23 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस अभी काफ़ी न्यूज़ में हैं, तो इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल कब मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर को एशिया में जो साहित्य का नोबेल मिला, पहले व्यक्ति थे एशिया में, भारत ही नहीं एशिया में, जिन्हें साहित्य का नोबेल मिला, तो 1913 में जो इनकी पुस्तक थी गीतांजलि, तो उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश दोनों का राष्ट्रगान लिखा है। बांग्लादेश ने अभी अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं स्वतंत्रता दिवस की। तो बांग्लादेश से काफ़ी क्वेश्चन अभी बन रहे हैं, और बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश ने जो अंडर-19 वर्ल्ड कप था उसमें भारत को भी हरा दिया था फाइनल में, और इससे क्वेश्चन बन रहा है अभी काफ़ी। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमार गुप्त ने। काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है, और यह कब हुआ था। तो काकोरी कांड काफ़ी अभी चर्चा में है, क्योंकि इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, काकोरी कांड का। तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, इसमें कौन कौन जुड़ा था, यह क्वेश्चन बनता है। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी और रोशन सिंह। नेक्स्ट है, ट्रॉफी किसने जीती। तो ट्रॉफी से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती, IPL 2021 किसने जीता, या वर्ल्ड कप T20 ऑस्ट्रेलिया किसने जीता, या UEFA यूरो 2020 चैंपियन कौन सी टीम थी। तो देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार हुई, इसका क्वेश्चन तो IAS एग्जाम यानी जनरली आप बोलते हैं जैसे UPSC जो एग्जाम होता है उसमें भी इससे क्वेश्चन बना। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार हुई इसलिए क्वेश्चन बना था, और उस एग्जाम में तो इसमें भी बन सकता है। तो न्यूजीलैंड ने और फाइनल में भारत को हरा दिया था। IPL 2021 IPL तो आप देखते हैं चेन्नई सुपर किंग ने जीता। वर्ल्ड कप इस बार जीता ऑस्ट्रेलिया ने, और UEFA यूरो 2020 चैंपियन बनी है इटली की टीम।
नेक्स्ट है बीबी का मकबरा, बुलंद दरवाजा, चार मीनार, विजय स्तंभ। तो ये कहाँ पर है बीबी का मकबरा, कहाँ है? औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और इसे ताजमहल जैसा बनाने की कोशिश थी, ये खैर बन नहीं पाया। तो बीबी का मकबरा कहाँ है? मकबरा है औरंगाबाद में। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। तो बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। और यह क्वेश्चन काफ़ी बन रहा है अभी। और ये किसने बनाया था बुलंद दरवाजा? अकबर ने। चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में। चार मीनार से भी क्वेश्चन बन रहा है, ये शायद प्लेग वगैरह के उसके लिए ये बनाया था कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार की, जो प्लेग वगैरह फैला था उससे जो भी निजात मिल जाए, इसलिए कुछ ऐसा था इससे रिलेटेड, इसलिए क्वेश्चन काफ़ी बन रहा है। इसके अलावा विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में राणा कम्बा ने इसे बनवाया था। ये देखिए विजय स्तंभ, एक बार फिर से देख लेते हैं। बीवी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। चार मीनार हैदराबाद में है। और विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है भारत S-400 और AK-203 किस देश से खरीद रहा है? तो भारत S-400 एक एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, काफ़ी न्यूज़ में था, जिस पर अमेरिका अभी न्यूज़ में था सेंक्शन लगाने से रिलेटेड, क्योंकि तुर्की पर S-400 से रिलेटेड अमेरिका ने सेंक्शन लगा दिए थे। AK-203 ये राइफल है शायद, तो ये भारत खरीद रहा है रूस से। रूस के अभी रूस के राष्ट्रपति थे अभी व्लादिमीर पुतिन, भारत भी अभी आए थे। और रूस है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। ईरान क्यों खबरों में है? ईरान इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इसकी जो करेंसी है उसका नाम चेंज कर ईरान ने टोमन कर दिया है। और ईरान फरजाद भी गैस फील्ड है और चाबहार बंदरगाह से रिलेटेड है, जिसमें भारत ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, इसलिए ईरान न्यूज़ में है। और कासिम सुलेमानी की जो डेथ भी हो गई थी, तो इसलिए भी ईरान न्यूज़ में है। ईरान अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है, पाकिस्तान से भी करता है। ईरान को आप थोड़ा मैप में देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप से भी बन जाता है कि ईरान कितने कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, कहां पर है। तो पर्शियन गल्फ से रिलेटेड है, ईरान कैस्पियन सी से भी बॉर्डर शेयर करता है। आप इसे देख लीजिए, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, तुर्की, इनसे बॉर्डर शेयर करता है। आर्मेनिया और अजरबैजान, अभी इन दोनों देशों का युद्ध भी हुआ था। नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति काफ़ी न्यूज़ में था, अफगानिस्तान से जो भारत वापसी आ रहे थे उनके उनसे रिलेटेड यह था ऑपरेशन देवी शक्ति, भारत सरकार ने इसे लॉन्च किया था। नेक्स्ट, भारत को कब तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो भारत को जो 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है हाउ मेनी रामसार साइट्स हैं उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में कितने रामसार स्थल हैं? टोटल भारत में 46 रामसार स्थल हैं, 46, जिनमें से 8 उत्तर प्रदेश में हैं। रामसार एक जगह है ईरान में। नेक्स्ट है साइक्लोन नेम इन डिफरेंट पार्ट, यानी कहाँ पर जो चक्रवात आते हैं उन्हें किस नाम से बुलाया जाता है? जैसे साइक्लोन इंडिया में चक्रवात ही कहते हैं, इंडिया यानी जनरली इंडियन ओशियन में, ठीक है, यानी हिंद महासागर में। टाइफून कहते हैं साउथ चाइना सी में, और मोस्टली जापान और चीन से रिलेटेड जो इस क्षेत्र में जो आते हैं उन्हें कहते हैं टाइफून। और बिली बिली न्यूज़ में है, क्या है? इस टाइप से क्वेश्चन बन जाता है, आपसे पूछ लेंगे बिली बिली क्या है, तो जो चक्रवात के नाम हैं ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आते हैं वहाँ पर बिली बिली उसे कहा जाता है, हरिकेन कहा जाता है अटलांटिक ओशियन में। तो अटलांटिक ओशियन में USA के आसपास जो चक्रवात बनते हैं उन्हें हरिकेन कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास बनते हैं उन्हें बिली बिली कहा जाता है। और टाइफून जो कहा जाता है वेस्टर्न पैसिफिक यानी जो पश्चिम में प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो चक्रवात बनते हैं उन्हें टाइफून कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है। इसके अलावा जो अपने यहाँ आते हैं चक्रवात, जैसे अभी यास आया था, अम्फान आया था, तुकाते आया था, तो ये सब क्या थे? चक्रवात थे। और इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है कि अम्फान या यास या तुकाते कहाँ आया, अरब सागर में आया, बंगाल की खाड़ी में आया। तो ये सब आप थोड़ा पढ़िए, न्यूज़पेपर वगैरह देखते रहिए, या कोई भी आप मैगजीन वगैरह भी रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बोहान इज सिचुएटेड इन कोस्ट ऑफ बेच रिवर, बोहान तो आपने सुना ही होगा, किस देश में आप बताइए? तो बोहान किस नदी के किनारे है? तो यांगजी रिवर के किनारे बोहान स्थित है। नेक्स्ट, कालापानी लिपू लेक ओलंपिया धुरा चर्चा में थे, कहाँ पर है? तो कालापानी लिपू लेक ओलंपिया धुरा ये काफ़ी न्यूज़ में थे, ये हैं उत्तराखंड में हैं, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री भी बने हैं, कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धाम। 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है, इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। और आपको बताना है कि जो केवड़िया में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसकी हाइट कितने मीटर है, तो आप एक कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है, तो एंडीज पर्वतमाला ये साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में, कितने महाद्वीप हैं? 7 हैं। उसमें जो एंडीज पर्वतमाला है ये सबसे लंबी पर्वतमाला तो दुनिया की भी है, और हाइट में ऊंची सबसे तो माउंट एवरेस्ट है अपनी। और इस तो एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो एंकागुआ है, माउंट एंकागुआ जनरली से बोला जाता है, साउथ अमेरिका एक कंटिनेंट है तो वहाँ पर है। और अभी अपने माउंट एवरेस्ट की यानी जो ऊंचाई भी नापी जा रही थी चीन और नेपाल के द्वारा, तो उससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी है, तो उसमें कुछ मीटर बढ़ गए हैं, तो उससे क्वेश्चन बन सकते हैं।
हाउ मेनी शेड्यूल्स हैव बीन एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी संविधान संशोधन द्वारा कितनी जो अनुसूची हैं वो जोड़ी गई। तो जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूची थी, यानी 8 शेड्यूल थी। नाउ देयर आर 12 शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो 4 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुई। तो वही क्वेश्चन है पूछा गया है, ये क्वेश्चन जनरली घुमाने के लिए दिए जाते हैं। तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूची हैं, 12, लेकिन इन्हें पूछा संविधान संशोधन द्वारा कितनी जोड़ी गई। तो संविधान संशोधन द्वारा तो सिर्फ 4 जोड़ी गई। तो पहली अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 1951 में। अभी टोटल 12 अनुसूची हैं संविधान में। नेक्स्ट है, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया, प्रस्तावना प्रियम्बल। तो प्रियम्बल को संविधान की राजनीति कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया, ऑप्शन है के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर और एन माधवराव। तो के एम मुंशी ने कहा था प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली। नेक्स्ट है, समिट 2021 इज ऑर्गेनाइज बाय। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि G7, G20, ब्रिक्स और SCO 2021 कहाँ आयोजित हुई। G7 जिसमें 7 देश हैं, भारत G7 में नहीं है। तो इसका जो आयोजितकर्ता देश था वो इंग्लैंड था, और कॉर्नवाल एक जगह है इंग्लैंड में ही, तो वहाँ पर इसकी जो समिट ऑर्गेनाइज हुई थी। G20 कहाँ पर हुआ, इटली रोम में हुआ, और ब्रिक्स में इंडिया ने किया, और SCO दुशांबे तजिकिस्तान, SCO ये हुआ था जनरली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। लेकिन ऑर्गेनाइज देश पूछा जाएगा तो आपको तजिकिस्तान लगाना है, तजिकिस्तान की कैपिटल है दुशांबे। नेक्स्ट है, इब्न बतूता किस देश का था और किसके शासनकाल में भारत आया। इब्न बतूता से क्वेश्चन इस टाइप से बन जाते हैं कि इत सिंह कब आया था, इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो विदेशी ट्रैवलर थे उनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। अभी देखिए आप एग्जाम आप देखेंगे अगर अभी ये करंट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, तो उनसे क्वेश्चन बनना है कि किसके शासनकाल में आए और किस देश के थे। इब्न बतूता किस देश का था और किसके शासनकाल में भारत आया। तो इब्न बतूता था मोरक्को का, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक वंश का था, दिल्ली सल्तनत में ही हम लोगों ने वंश देखे थे, उसी में एक वंश है तुगलक वंश, जिसने सबसे ज़्यादा शासन किया। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासन किया भारत में, सबसे कम किसने किया, खिलजी वंश में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता कहाँ का था, मोरक्को का। मोरक्को स्पेन के बीच, आपने एक स्टेट सुनी होगी, तो वो जो स्टेट है जिब्राल्टर स्टेट जिसे बोला जाता है, तो मोरक्को और जो स्पेन के बीच एक स्टेट भी है जिब्राल्टर स्टेट, उससे भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, 2001 से लेकर 2011 तक जनसंख्या की औसत वृद्धि दर कितनी थी। तो 2001 से लेकर 2011 तक जनसंख्या की औसत वृद्धि दर थी 17.64%। तो आप ये याद कर लीजिए। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एक और बात, तो नेक्स्ट टेक्स्ट सीरीज आएगी, इसके लिए आपको प्रेस जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास वीडियो आ जाए। तो आप दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। तो आप लूसेंट भी रेफर करिए और करंट अफेयर्स की मैगजीन वगैरह भी, और थोड़ा न्यूज़पेपर भी देखिए। UPAPO की वैकेंसी कभी भी आ सकते हैं, लेकिन GK के लिए आपको पहले से तैयारी रखनी होगी। तो आप टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।